सुबह हम अपने घर से निकले थे और हाई स्कूल मैदान में आर्मी रिक्रूट की ट्रेनिंग होती है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे गुरुजी हमारे सामने हैं, हम आपको उनसे पूछ के बताते हैं कितना मीटर ग्राउंड का, कितना मीटर दौड़ है और कौन फर्स्ट आएगा, मतलब रनिंग का पूरा दिखाते हैं हम आपको इस ब्लॉग में। गुरुजी ये मेरे गुरुजी हैं जो हम इनसे पूछते हैं कि कितना मीटर का मतलब ट्रैक है और कितना मीटर दौड़ का अभी करवाएंगे। 1600 मीटर का अभी दौड़ है, 320 का ट्रैक है, 5 चक्कर मारना है हर एक बच्चा को। 5 चक्कर हर एक बच्चा को मारना है और यहाँ पे हमारे सामने रिक्रूट जो आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे भाई जी लोग ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं रनिंग जब शुरू कर देंगे वो, 5 चक्कर मारेंगे वो, पूरा दिखाते हैं हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से। ये रनिंग स्टार्ट हो गई है, ये मतलब अब चौथे राउंड में भी सेकेंड, अब थर्ड हम आपको दे, भाई जी थर्ड में है। अब आर्मी रिक्रूट है उनका एक्सरसाइज अब चालू हो गया, मतलब दौड़ तो आपको दिखा दिए, अब एक्सरसाइज गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी के कमांड पे ही सब एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं। पोजीशन गुरुजी के द्वारा बनाया गया है, आर्मी रिक्रूट जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके, उनको बैंड पोजीशन करने के बाद भी कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे हम आपको दिखाते हैं। ये अभी बैंड पोजीशन करवाने के बाद गुरुजी एक्सरसाइज, ऊर्जा है मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना बनाने का कोशिश किया जाता है गुरुजी के द्वारा, क्योंकि आगे चल के इन्हें 48 घंटा और 96 घंटा भी भोजन के रहना होगा। हम आपको दिखाते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब पैर अप डाउन करवा रहे हैं गुरुजी, इसके बाद का एक्सरसाइज भी दिखाएंगे हम आपको। लास्ट तक बने रहे हमारे वीडियो में, हम आपको पूरा एक्सरसाइज का भी दिखाएंगे। ये गुरुजी जो बीच में है एक्सरसाइज कमांड दे रहे हैं, गुरुजी जी बीच में कमांड दे रहे हैं और बच्चे लोग कमांड का पालन कर रहे हैं। जैसे आर्मी से बैंड पोजीशन करवा दिए हैं सर, ये थर्ड एक्सरसाइज हमारे अनुसार होगा, ये गुरुजी के द्वारा कमांड सर दे रहे हैं। और के रिक्रूट वहाँ गए हैं और वहाँ भी गुरुजी के द्वारा एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, मतलब फिर से रनिंग एक्सरसाइज करवाने के बाद इधर से उधर जाने, गुरुजी भी साथ में हैं। वहाँ से आने के बाद रिक्रूट को फिर से रेस्ट का कुछ एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, मतलब रेस्ट का एक्सरसाइज दिया गया है। इसके बाद कुछ और एक्टिविटी होगी, हम आपको अपने ब्लॉग हम आपको दिखाते हैं। ये लेग आगे पीछे करने की एक्सरसाइज है, मतलब ये फोर्थ एक्सरसाइज करवाया जा रहा है गुरुजी के द्वारा। रनिंग तो दो टाइम्स लड़कों ने किया है, अब हम एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। इसके बाद कुछ और एक्टिविटी होगी, सोमवार को कुछ अलग एक्टिविटी होती है और बीच में गुरुजी कमांड देते हैं और बच्चे इनका पालन करते हैं। कार बैंड पोजीशन करवाने बोला जा रहा है कि जितना सोना को भट्टी में तपाया जाएगा उससे उतना ही अच्छा ज्वेलरी बन के बाहर निकलेगा, जिसके कारण ये लोग काफी मेहनत करते हैं आर्मी में जाने के लिए। ये नॉर्मल करवाने के लिए, मतलब बॉडी रेस्ट करने में हो जाने के लिए यहाँ पे गुरुजी के द्वारा एक्सरसाइज करवाया जा रहा है। ये हमारे गुरुजी कमांड दे रहे हैं और लड़कों को पालन करना एकदम अनिवार्य है, जैसे आर्मी में किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज गुरुजी के द्वारा मतलब हम आपको दिखा रहे हैं, ये मतलब सिक्स्थ एक्सरसाइज होगा जिसमें सोमवार को किया जाता है, वो पूरा एक्टिविटी हम आपको दिखाते हैं। बीच में गुरुजी कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे थक चुके हैं जिसके कारण कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ उठ चुके हैं। एक्सरसाइज गुरुजी के द्वारा आदेश दिया गया और बच्चे लोग इनका पालन कर रहे हैं। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही पोजीशन में आगे बढ़ेंगे।
अप डाउन पोजीशन में, मतलब जितना हो सके गुरुजी कठिन से कठिन कार्य इन लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अगर ये आर्मी की ज्वाइनिंग ले या कुछ ऐसा करे तो आगे चल के इन्हें कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। यहीं से शरीर बलिष्ठ होगा तो आगे चल के और बढ़िया इनके लिए रहेगा। काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज, बैंड पोजीशन में पैर, अब ये सर के द्वारा फ्रॉग जंप जो काफ़ी फेमस है आर्मी में, पनिशमेंट के रूप में लड़कों को फ्रॉग जंप ही दिया जाता है अगर कोई गलती करते हैं एक्सरसाइज के दौरान। आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान तो हमें जैसा कि मालूम है, क्योंकि मेरा दोस्त एक CISF में गया है, वो बताता है कि फ्रॉग जंप दिया जाता है, फ्रॉग जंप दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे। आप पनिशमेंट पूरा नहीं करने पे कुछ और एक्टिविटी करवाई जाती होगी या कुछ ऐसा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज किया जा रहा है, मतलब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाया जा रहा है गुरुजी के द्वारा। ये बच्चे लोग का हम फ्रंट, मतलब फेस टू फेस वीडियो लेते हैं हर एक का। अरे ये लोग हम बोल रहे हैं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का अगर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तो। लेकिन जैसा हो हम आपको दिखाते हैं वीडियो। हमें तो कर्म करते रहना है, फल की चिंता मत लेना, मत करना है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने पे लोग कर्म करना भूल जाते हैं, और पर डे कर्म करना चाहिए और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। इस एक्सरसाइज सर के द्वारा कमांड दिया गया है और कर रहे हैं बच्चे लोग। जी कुछ आर्मी रिक्रूट को मतलब ट्रेंड कर रहे हैं इनके पैर पे खड़ा होकर, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में मतलब कोताही बरत रहे थे। ये कुछ लोग को ऐसा ही मतलब बैंड पोजीशन में करके पैर पे चढ़ जा रहे हैं। सर के द्वारा ये कमांड दिया गया और ये बच्चे लोग पालन कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो डांसिंग, मतलब डांस में काफ़ी जरूरी होता है, वो एक्सरसाइज आर्मी रिक्रूट के ट्रेनिंग के दौरान दिया जा। काफ़ी रिक्रूट थक चुके हैं क्योंकि एक्सरसाइज का कमांड बहुत ज़्यादा मिल चुका है, और आज का एक्सरसाइज हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब सोमवार का। सोमवार में मतलब पूरे दिन का एक्सरसाइज एक दिन में ही करवाया जाता है, सप्ताह में एक दिन ऐसा सेशन गुरुजी के द्वारा किया जाता है। के द्वारा रिक्रूट लोग को बताया जा रहा है कि चांद पे जमीन खरीद ले, और चांद पे जमीन खरीदने का मकसद तो इनको बताया नहीं गया, सिर्फ कागज में ही इनका जमीन रहेगा, लेकिन ये वहां जाके रह नहीं सकते। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब जंप के लिए किया जा रहा है। गुरुजी यहां पे जंपिंग का सजा दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जंप का वीडियो। हाई जंप का सेटअप गुरुजी के द्वारा किया गया फर्स्ट राउंड में। पहले बार गुरुजी ही इसपे जंप करके बताएं लड़के लोग रिक्रूट को। अब हम दिखाते हैं आपको हाई जंप का। यहाँ पे पैर फंसने के कारण यहाँ पे बैरिकेटिंग मतलब जो लगाया गया था वो गिर गया। अब हम आपको दिखाते हैं
फर्स्ट टाइम गुरुजी के द्वारा बताया जाता है कि एक्सरसाइज ऐसे करना है, उसके बाद रिक्रूट लोग अपने से चलकर एक्सरसाइज करते हैं। हम आपको अंत में रिक्रूट के द्वारा भी पूछेंगे कि कैसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। लास्ट स्टेप मतलब पूरा ज्यादा हाई जंप में 5 फीट के लिए एक रिक्रूट जो आएंगे हम दिखाते हैं वो जंप कर पाते हैं या नहीं। ये तो रिक्रूट आगे जंप नहीं कर पाए क्योंकि 5 फीट काफी ज्यादा है और ज्यादा जंप करने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हम आपको दिखाते हैं कौन से रिक्रूट इसमें से पास कर पाते हैं। पीछे एक रिक्रूट है जो लगभग पास कर चुके थे, हम आपको उनका वीडियो में दिखा इस वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। ये जो हमारे सामने रन कर रहे हैं यही रिक्रूट जो है पास किए थे और ये पास कर गए काफी अच्छे तरीके से। ये हाई वीडियो में ये लॉन्ग जंप का साइज काफी कम किया गया है, मतलब 5 फीट से डायरेक्ट 4 फीट पे लाया गया क्योंकि बहुत से रिक्रूट जो जंप नहीं कर पा रहे थे इसके ऊपर से और इसे आसानी से सारे रिक्रूट पार कर जा रहे हैं। तो आए हुए हैं बगल में रहते हैं वो कूदने के लिए गुरुजी ने मोटिवेट कर रहे हैं। बंजारा लोग बंजारे हैं जो टेंट उंट लगा के जहाँ तहाँ मतलब जहाँ इनका निवास मिले चलते रहते हैं जिंदगी भर। और ये क्रॉस कर दिए, एक और जंप किया गया, ये कूद गए, मतलब इनका लॉन्ग जंप काफी अच्छा है, उनके अपेक्षा इनका लॉन्ग जंप काफी बढ़िया है। आर्मी रिक्रूट को मतलब मोटिवेट करने के लिए आ चुके हैं क्योंकि ये बगल में ही रहते हैं, वो इन लोगों का झोपड़ी है, मतलब इन लोग झोपड़ी बनाकर ही रहते हैं, जहाँ चाहे वहाँ स्टैंड कर जाते हैं। इनके बंजारे के द्वारा किया गया एक्सरसाइज मतलब मारा जा रहा है, मतलब ये 5-5 मार रहे हैं और 5-5 भी ये क्रॉस कर दिए, काफी अच्छा लॉन्ग जंप। लास्ट में सर के द्वारा वॉलीबॉल खिलवाया जाता है बच्चे लोगों को यहाँ पे। ये स्कूल के ग्राउंड है, मतलब हाई स्कूल में जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहीं का ग्राउंड है। यहाँ पे वॉलीबॉल का ये नेट लगा हुआ है, बच्चे लोग नेट पे वॉलीबॉल एकेडमी वाले सर के पास है। अब बता पूछते हैं इनसे कि कितना साल से कार्यरत है, कितना साल से सर बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 साल से हम 2 बैच से अग्निवीर का निकाल चुके हैं और ये 3रा बैच है जो बच्चा लोग को अपना कोशिश मेहनत करवा रहे हैं और देखिए सफल होंगे जरूर। जब दिल से मेहनत कराई जाएगी सफल जरूर होंगे। और ये बच्चे मतलब कितना बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा इस फिजिकल ग्राउंड से, इन लगभग 2 साल फिजिकल एकेडमी से लगभग 2 साल में 15-16 का सिलेक्शन हो चुका है। और हमारे यहाँ तो फिजिकल 57-58 को बच्चा आर्मी में जो 2 साल में निकाल चुके हैं। सर इसमें आप बता सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन क्या है बच्चे लोगों का, कि कैसे कैसे इसमें एडमिशन ले सकता है? मात्र 1 टाइम फीस है और अपना 1 टाइम फीस डाले और उसके बाद जिंदगी जब तक फिजिकल नहीं निकलता है तब तक आगे अपना फिजिकल करते रहे। और गुरुजी के द्वारा फिजिकल की पूरी मतलब गारंटी ली जाती है फिजिकल के तैयारी की? आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस भी कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा हम लोग को तैयारी यहाँ का लग रहा है। जो हमारे गुरुजी सोनू चटर्जी हैं बहुत अच्छा है, हर बार 20 बंदा फिजिकल निकाल ही देता है, जितना रहता है उसमें से शायद 80% बंदा निकाल देता है फिजिकल, बस फिजिकल के फुल्ली गारंटी रखते है ये। अब मेडिकल और रिटेन अपने हाथ में स्टूडेंट को रखना है, मेडिकल और रिटेन? हाँ मेडिकल और रिटेन अपना हाथ में रखना पड़ता है, बस फिजिकल का सिर्फ गारंटी लेते हैं 100%। वही जो 100 में से ना 20 बंदा जो होता है वही सिर्फ नहीं निकाल पाता है क्योंकि वो बहुत लेंदी लड़का रहता है, वही थोड़ा सा अगर मेहनत कर दे वो बंदा निकाल देता है कन्फर्म है। ठीक, अब सेकेंड स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इस ग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, घातक फिजिकल एकेडमी का कैसा एक्सपीरियंस है बताइए? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, मतलब अभी नया ज्वाइन किए हैं करीब 15 दिन पहले, लेकिन इससे पहले हम रोड पे ही दौड़ते थे, करीब 1 साल से हम तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी में और यहाँ आए हैं ये सोच कर कि हमें यहाँ पे जैसे मेहनत गुरुजी करा रहे हैं
हमें लग रहा है कि एक साल के अंदर हम जरूर इस बार कोई ना कोई चीज में सिलेक्शन हो जाएगा जी। थैंक्स फॉर सजेशन। अब हम आपको नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलवाते हैं। आप कहाँ से आते हैं भैया ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ? हम मेहदीनगर कुशहा से आते हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट है मतलब 10 कितना स्टूडेंट होंगे लगभग? लगभग अभी 35-40 के आसपास होंगे। और 40 स्टूडेंट में जो मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ से अराउंड मतलब कितना किलोमीटर दूर दूर से लड़के लोग आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ से कुछ बंदे कुशहा जैसे कि मोहिद्दीनगर से भी आते हैं, दशहरा से भी आते हैं। हाँ मनियर धर्म। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। घातक फिजिकल एकेडमी का जो हम आपको पूरा दिखाएं उसमें आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप लिख सकते हैं बढ़िया है, नहीं तो जो और बंदा को भी भेज सकते हैं आप, और जो ट्रेनिंग करता है उसे बता सकते हैं। और विषय मतलब यहाँ पे जहाँ मोहिउद्दीन नगर है वहाँ के आसपास के लोगों को बता सकते हैं आप। अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ का लड़का कोई हो तो आप बता सकते हैं। अगर मेरा चैनल में ये वीडियो अच्छा लगा या और कोई वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके एक सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन ज़्यादा होता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको कुछ नए कंटेंट के साथ नए ब्लॉग में।